भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर बने रहें, जुड़े रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों के लिए लेकर आ गए हूँ बहुत जबरदस्त वीडियो। आज का जो भी वीडियो है ना, वो सारा अपडेट से रिगार्डिंग है कि अलग अलग IITs में क्या क्या अपडेट चल रही हैं। तो अपडेट्स के लिए देखिए, सबसे पहले IIT कानपुर की तरफ बढ़ते हैं। तो IIT कानपुर ने अपने PhD मैकेनिकल की शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आउट कर दी है। आपको मैकेनिकल के लिए अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह चाहिए हो प्रिपरेशन करने के लिए कि कैसे आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन मैकेनिकल में, तो आप वो मुझसे इंस्टाग्राम पे कलेक्ट कर सकते हो। सस्टेनेबल में इन्होंने अपना शॉर्टलिस्ट किया था जिसमें कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं और उनकी वेटिंग लिस्ट भी निकाली है। तो अब जो लोग नहीं लेंगे तो वो वेटिंग लिस्ट बढ़ती जाएगी और लोगों को मिलता जाएगा। IIT तिरुपति ने MSEE में अपनी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट लिस्ट आउट कर दी है जिसमें करीब 112 लड़कों को लिया है। IIT बॉम्बे ने अपना MTech RA EE का शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट लिस्ट आउट कर दिया है। तो इन दोनों के इंटरव्यू क्वेश्चन भी आप मुझसे इंस्टाग्राम में कलेक्ट कर सकते हैं। IIT जोधपुर ने अपना ड्यूल डिग्री प्रोग्राम सेंसर एंड IoT की शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट लिस्ट आउट की है एंड कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में भी ड्यूल डिग्री की शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट लिस्ट आउट करी है। तो इसको भी आप लोग इसके जो नोटिफिकेशंस है ना, वो सारे मैंने टेलीग्राम में डाल दिए, तो उन्हें जाकर टेलीग्राम में पहले चेक कर लेना। IIT दिल्ली के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर MSc कॉग्निटिव साइंस में निकला हुआ है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में निकला हुआ है, सिविल में PhD शॉर्टलिस्ट निकला हुआ है और टेलीकॉम इन MS निकला हुआ है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी MS में निकला हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे इन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स की जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे मटेरियल का, ठीक है, EE का, CSE का, मैकेनिकल का, तो वो सारा का सारा ना पॉलीमर साइंसेस का, वो मैंने सारा का सारा टेलीग्राम में डाल दिया, तो उधर चेक कर लेना। IIST सिप्पुर ने अपने सारे PhD कैंडिडेट की शॉर्टलिस्ट आउट कर दी है, तो आप इसे चेक कर सकते हो। IIT रुड़की ने अपने EC, MEV, CNSP, REM शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट लिस्ट आउट कर दी है और IIT पटना ने अपने सारे डिपार्टमेंट की PhD शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आउट कर दी है एक्सेप्ट मैथ्स डिपार्टमेंट को। इसके साथ साथ क्या है, CCMT भी निकल चुका है। तो हमारे यहाँ CCMT में मैम ने मतलब वीडियोस बनाए हैं CCMT का कंप्लीट प्रोसीजर के ऊपर, उसमें हर चीज़ कवर की है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, वो दो वीडियोस बनाए हैं। वो दो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी CCMT के लिए अपियर होने वाले हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है, तो आप उन वीडियोस को जाकर तुरंत देखिए, है ना। कल ही बनाए गए हैं, ठीक है, दो वीडियो होंगे वहाँ पर, Part 1A करके, Part 1B करके। उसके साथ साथ कोप राउंड वन की हम लोगों ने एनालिसिस की थी, बहुत सारे लोगों ने अपने रिव्यूज दिए थे, तो उसका जो रिजल्ट है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी चाहिए चेकआउट कर लीजिए। इसके साथ साथ जितने भी IITs में अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए और अभी तक आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है और आपको प्रिपरेशन के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस की जरूरत है, तो आप वो मुझसे इंस्टाग्राम में कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी हुई है। उसके साथ साथ बढ़िया बढ़िया मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ, IIT मतलब बहुत सारे IITs के बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे टूर बना रहा हूँ, शॉर्ट्स बना रहा हूँ, तो आप उसको भी देखिए और इन्जॉय करिए और चैनल के साथ बने रहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका इंटरव्यू हो चुका है तो प्लीज़ आप आने वाले जूनियर्स के लिए एक हेल्प करिए, अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है, इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस को आप मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम किसी के भी थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं, तो आपकी बहुत हेल्प होगी। उसके साथ साथ आप लिंक्डइन में भी मेरे साथ जुड़ जाइएगा, है ना, लिंक्डइन की भी जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। लिंक्डइन में जुड़ जाएंगे तो हम लोग आगे तक मतलब एक कॉर्पोरेट में भी एक रिश्ता हमारा बना रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, अपना लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करो यार, सब तक पहुँचाओ, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम लोग।